हाय दोस्तों, आज मैं क्विक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ इस सीट का। ऑलमोस्ट इस सीट को लगा हुआ है 6 मंथ से ऊपर हो चुका है एंड ये मैंने सीट मंगाई थी प्रफुल सीट से। एंड सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है एंड साथ ही साथ मैंने इसमें कम से कम 300 किलोमीटर की एक राइड भी की हुई थी, उसके बाद सिटी राइड भी किया हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने 1000+ किलोमीटर जो है इस सीट के साथ में जो है राइड किया हुआ है। एंड अगर मेरा रिव्यू आप पूछेंगे तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, ये सिटिंग हाइट तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ फुटपैक में हल्का आपका आगे तरफ लेग रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और ये आपको टेलबोन को सपोर्ट भी देता है। अगर आप थोड़ा पीछे होकर बैठे ना तो कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर लगता है। ये ब्रॉड सीट है तो आपको बहुत सही लगती है। एंड पिलियन के लिए जो सीट है उसकी भी लेंथ बहुत सही है कंपेयर टू स्टॉक जैसा ही कुछ इसका लगता है। एंड थोड़ी सीट जो है एस्थेटिक, अगर आप ओवरऑल लुक देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक जो है आपको मिल जाता है। तो मेरी तरफ से टोटली थम्स अप रखा और मुझे कंफर्टेबल बहुत रहा। कई लोग पूछ रहे थे कि लॉन्ग राइड में कैसा है, तो लॉन्ग राइड में भी अच्छा है, आप सिटी राइड तो आराम से कर ही सकते हैं। तो दोस्तों जिनको भी बाय करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सिर्फ बुलेट के लिए नहीं, ये क्लासिक 350 जो BS6 वाली थी स्टैंडर्ड के लिए भी है और इलेक्ट्रा के लिए भी है, साथ ही साथ जो 500 CC थी उनके लिए भी है और जो नई रिबॉन आई है उनके लिए भी सीट के ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं ऐप का लिंक भी दे दूंगा और जहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बाय कर सके उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाहिए चेकआउट करिए एंड अगर कैसा लगा आपको सीट लुक वाइज कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ वीडियो कैंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। बाय।